कभी अमन बनकर तो कभी किसी और नाम का सहारा लेकर मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो तमाम समाचार पत्र कह रहे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं पर लगातार परत दर परत रिपोर्टिंग करते आए हैं। आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो ऐसी घटनाएं कई आपके सामने निकल कर आएंगी। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ऐसे कई और माध्यम भी हैं जिनका सहारा लेकर मुस्लिम युवक लगातार लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बीते वर्ष ही हमने देखा था नवरात्र के समय इंदौर में 7 मुस्लिम युवक एक गरबा पंडाल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपना नाम छुपाकर वीडियो इत्यादि बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने जब तहकीकात की तो जानकारी लगी कि ये सभी मुस्लिम हैं जो अपने नामों को छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। हालांकि इंदौर वाली घटना में युवक पकड़े गए थे और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो पाई थी, लेकिन कई मामले हैं जहां पर ये बात सामने आई है। अभी नवरात्रि का पर्व आने वाला है तो नवरात्र पर्व में जगह जगह गरबे पंडाल लगेंगे और गरबे धूमधाम से खेले जाएंगे। ऐसे में कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दिया जाए, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रशासन से अपील की है कि सबसे पहले तो गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति ही ना दी जाए। तो इस प्रकार के कदम विश्व हिंदू परिषद द्वारा बीते कुछ वर्षों से उठाए जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है प्रशासन उनका सहयोग करे और जो गैर हिंदू हैं वो गरबा पंडालों में ना पहुंच सकें। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गरबा पंडालों या माता की झांकी में किसी भी प्रकार के अशोभनीय गीतों को ना बजाया जाए। वहां पर सांस्कृतिक और धार्मिक गीत हैं, उन्हीं को बजाया जाए, क्योंकि इस बात से संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो है गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में ना प्रवेश देने के लिए बड़ी स्पष्टता से और बड़े जोर देते हुए ध्यान में विश्व हिंदू परिषद ने लाया है। अब ये जो सब हो रहा है वो सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमें चेतावनी और समझाने के लिए भी है कि अपने कार्यक्रमों को अपने साथ ही करें, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर करें। इसके साथ विश्व हिंदू परिषद ने कुछ जो गरबा खेलने के वाले लोग हैं उनसे भी आग्रह किया है कि पंडालों में या झांकी देखते समय शॉर्ट्स इत्यादि ना पहने, मर्यादित वस्त्र पहन कर आए ताकि वहाँ की मर्यादाएं भी भंग ना हो। ये जो 3-4 बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को अगर आयोजकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तो प्रशासन से भी विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए और साथ ही कहा है कि अगर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस प्रकार की कार्रवाई करने जगह जगह पहुंचते हैं तो प्रशासन उनका भी सहयोग करे ताकि सब कुछ व्यवस्थित चल सके। विश्व हिंदू परिषद लगातार संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करता है, जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो आइए इस नवरात्रि पे हम विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए इस आग्रह को स्वीकार करें और जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी नवरात्रि मनाएं।